मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 4 और हाथ मुंह धो लिया, हल्का बना रही रोटी अभी टिफिन के लिए, क्योंकि मेरे लिए मैं तो बाहर खाऊंगी नहीं ना, इसलिए है ना नाडू, मैं लोदू लोटी खाएंगे। ये भी उड़ गया वहां से, ये पहले उड़ गया, जैसे कि इसी को जी करना होगा काम धाम। नो बोल दो नो। तो पतिदेव जी आ गए हैं ड्यूटी से, अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो पतिदेव जी लोग सामान लेके गए हुए आधा आधा दिन में। भाई हमारा इतना सामान है कसम से, दो जने हम सामान वहाँ चार जनों का, क्योंकि बेकरी का सामान भी है ना इसलिए। सो अभी जरा अभी आज 5:30 हो गई, अभी तो हम आधे में होते वहाँ। भैया ही नहीं उठे आज गाड़ी वाले, सब लेट 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 लेट। लतीफा पा कर दो मामा को, मामा को पा, मामा को पा, एक और एक और एक और जल्दी से मामा को पा कर दो। भाई क्या हवा आ रही है वहां से ठंडी, क्या देख रहा हूँ उदास। उठा। देखो तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, छत में रखना पड़ेगा सामान, तो कितना है छत में है। नाडू नाडू पापा उनको पाएगा सामान वन टहल रहा टहल रहा जैसे घूमने निकला गया गार्डन में। नहीं आप मॉर्निंग वॉक पे हैं क्या? घूमने निकला गया गार्डन में, 4 बजे मॉर्निंग वॉक ही होती है ना इसके बैग में। हाँ एक निकाल रखा मैंने, एक बहुत है। नहीं नहीं बाकी कुछ नहीं उसमें, लंबे होने का लंबाई का फायदा यही दिखता है बस। देहरादून बैजरो सेला कोई, ये भी ऊपर ही रख दो क्या? हाँ हाँ ये भी ऊपर रख, क्या करना है इसका? खाने पीने का सामान सारा दूसरे बैग में। नॉट डू पापा को बाय कर लो, पाप पुच्ची कर लो बाबू, पा कर दो आगने वाले। अरे बीच में से हां घर शिफ्ट कर रही सामान लाइन से, सब लाइन के सभी देख भी ना कुछ। बाय पापा को बाय कर लो। गाइज अभी हम बैजरू पहुँच चुके हैं, तो अलका तो चली गई है वो आगे मतलब वहाँ पे, क्योंकि नोटिस हो रखा है ना इसलिए मैं जा नहीं पा रही। तो भैया अभी गाड़ी वहीं पे उतारे हैं लगाएंगे, मतलब क्योंकि सामान ज़्यादा है ना हमारे पास, तो बैंक के सामने उतारेंगे सामान। यार सामान नोडू देख दूँ मैं। सो बुआ को मिलने के बाद हम चले गए थे नीचे घर और मामा जी से मिले, तो मामा जी ओवन के सामने बैठे हुए थे क्योंकि नया नया ओवन आया था मामा जी का, तो आज ही ये अंदर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे ना सिखाने वाले आ रहे थे कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है वगैरह, तो मामा जी यहाँ सीख रहे थे और हम भी देख रहे थे। उसके बाद हमने दिन में खाना वगैरह खाया और शाम को हम चले गए थे अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलने, क्योंकि वो शादी के बाद पहली बार घर आई थी, वाइके आई थी, तो फिर हम उससे मिलने चले गए और हमने भाई इतनी गप्पे मारी कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला, और रात को हम 8 बजे आए। उसके बाय 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 करो, अबे मुझे नहीं इधर, वो देख पैसे गिरा दिए उन्होंने, पैसे भी नहीं ले जाने हमने, बस पैसे भी नहीं ले जाने हमने वापस नानी को। चल 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 वो पैसे। अभी लेट हो चुकी है हमें और हम अभी दुकान में भी जाना है, सब थोड़ा सामान लेना है, तभी तो मैं नहीं पकड़ रही उसको पूरे रास्ते मैंने पकड़ रहा, अभी तू सामान ले आ ऊपर बाजार तक। हे भगवान क्या देख रहा, अभी हम बीरखाल पहुंच गए हैं, बस पापा का वेट कर रही हूँ, अभी कोई टैक्सी जाएगी नीचे तो, क्योंकि यहाँ से पैदल जाना पॉसिबल ही नहीं है भाई, बहुत हो रखा है।
तो अभी पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं पापा कह रहे कि वो करूँगा। क्या खुद ही आ रहे हैं कि टैक्स आ रही है? पता नहीं, फिर उखाला रहे शायद, अभी कुछ पता नहीं। तो ये हमारे चाचा जी, ओ चाचा ना देखो पापा रास्ते गंदू कौन पहचान नहीं रहा। देख नानू को पहचान रहा है? अरे बैग उधर है अंदर, ये बड़ा है ये तो पहचान नहीं रहा नानू को, कौन है? कहा नानू, कहा नानू, कहा नानू? ये इस यहाँ है शायद अंदर, पकड़ो पकड़ो। ये देखो ये भी बन गया, सब नया नया बन गया। किसको? इसको आजा। चलो ये है कॉलेज, इंटर कॉलेज। किस में? अच्छा दादाजी आ रहे क्या? अच्छा पापा के साथ चला गया घूमने के लिए। भाई मैंने तो कपड़े वही बना दिए इसको जो हम कल लेके आए थे, क्योंकि कपड़े भाई इतने नीचे घुसे रखे ना बैग में, और इतनी सांस लेने की भी जगह नहीं है बैग के अंदर, इतनी भर रखे है बैग वहाँ। तो मस्त घूम रहे हैं वहाँ से, पता नहीं क्या क्या लेके आएगा वहाँ से। मैंने मना कर दिया पापा को, वो पापा तो पहले घर पहुँच गए थे, बट फिर यहाँ पे हम पहले तो हमने मामा जी की टैक्सी में आना था, बट मामा जी की टैक्सी में सामान आज वो करना था ना, सामान बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम जगह नहीं थी उसमें, तो फिर हम आए नहीं। अभी 8:30 वाली में आए तो यहाँ पे उतर गए, क्योंकि भाई वहाँ से बड़ा ही ऊपर क्या बोलते कॉलेज ढैया से कौन जा रहा था पैदल। तभी पापा तो घर पहुँच गए, तो पापा घर से आए हैं वापस लेने के लिए हमको। तो अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि कुल्ली दादाजी की टैक्सी आ रही है ना, तो फिर उसमें जाएंगे हम। ये पहुंच गए हम गांव, पहुंच गए घर। आ जाओ जा भाई, आ ही नहीं रहो यार। अरे नमस्ते तो करता नहीं है मेरे को। तो मम्मी के पास जा, आ जाओ। ये हमारे गांव का पंदेरा, देखो पानी अभी आ नहीं आता, नहीं बात पानी चले नोड़ू घर। ओ दादी दुयाली भांडा, हाँ तुम ठीक ठाक? तब ठीक ठाक ठीक ठाक है। ये बाप हाँ भाई जय करो नानी को अपने, तो कोई बात नहीं भाई, अब आदर जाएगा भाई। दादी तो बूढ़ी हो गई यार, दादी एक दो महीने दादी तो बूढ़ी लग रही है यार। दादी किसका बच्चा है ये? दादी हमारी बूढ़ी नहीं है भाई, मिल चाहिए। हाँ नोडू कौन है, कौन है, कौन है नोडू? आ जा आओ आओ। पहचान लिया आपने कौन है? दादी नमस्ते, ठीक है? हाँ भैंस का तो उसने माँ भी नहीं पिया, बुआ क्या? भैंस का नहीं पिया पता उसने, बुआ क्या? पता नहीं कैसा स्वाद लगा होगा या कुछ बात से आई होगी, पिया ही नहीं उसने। फिर मैं उसमें चाय डाली थोड़ी सी तब जाके पिया उसने। ये नल कब लगे यहाँ, पानी भी आता है इनमें कि शुद्ध? तो काय के लिए लगा रखे हैं बताओ तुम? ये नल भी लग गया हमारे यहाँ, बता वाह। पानी कब तक आएगा वाली इसमें? अच्छा ये इसी का ही है क्या सारा? अरे वाह यार, ये काय का पेड़ है दादी? दादी ये काय का पेड़ है? नरिंगी डाल क्या? अरे यू 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 अब लगाई हुई मेरा। बेटा ये गांव है ये यहाँ सीधे सीधे रास्ते नहीं है, यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते। पहला कदम गिर गया तो यहाँ उतरने की कोशिश भी मत करना अपने आप, समझ रहे? ठीक है मट्टी मत खाना पिटेगा।
हाँ नाश्ता तो करके आई मैं, तेल ले तो मजे आ गए। नोट देखा जहाँ मर्जी वहाँ पिक है। उतार रही हूँ मैं, गर्म तो हो ही रही है। कपड़े तो उतारे थे भाई। क्या क्या ढूंढ रहा है? कुछ ढूंढ रहा है खाने के लिए? केला, केला खाएगा? केला तो नीचे है यार। अंगूर खाएगा? अंगूर धो के धो के लाऊं? लाओ इधर नीचे रख दे इनको। गुड बाय बाय। ले 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 ले, यहाँ अकेले नहीं आना। आते ही काम पे लगा दिया। दादी दादी आ दादी आते ही काम करो दादी। देर नानी लगा रही झाड़ू। तो वो है कि दूसरी वाली बड़ी वाली, वो फेंक दी उसने नीचे। वो तो नीचे गई है, वहां से नीचे पता नहीं कहाँ। देख यहाँ पता है गर्मी हो रही है, उतरी तो देहरादून में भी नहीं हो रही गर्मी। आराम से आ गई ना नीचे। बस तो फिर अब रहने दो। अच्छा वो तो मांग लेंगे। चलो अभी तो क्या है नहीं दादी, चलो क्या ये है अलमारी हमारी। यहाँ दूध वगैरह रखा हुआ है। ये फ्रिज है मतलब हमारा एक तरफ से। सो अभी मैं ना एक रोटी खा रही थी यार, भूख लग रही थी मुझे। हाँ सुबह ही उठा दिया मैंने चार को जबरदस्ती। कपड़े पहना दिए। बाद में मामा ने बोले जब गाड़ी में तो जगह ही नहीं। वहाँ पे मैंने कर यार सोचा चल वापस सुला रही थी, सोया नहीं वो। तब कहाँ सोता वो, नींद खराब हो गई थी उसकी। यहाँ देखो यहाँ पंखे भी चलने लग गए थे, इतनी गर्म हो रही है। धूप बहुत तगड़ी लग रही है ना नाडू, गर्मी हो रही है ना। हमें तो सब गर्म कपड़े ला रहे हो उसे। पापा तो इसके आगे पीछे आगे पीछे घूमने लग रहे आप। अच्छा बस नाडू भगवान। ये देख 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 इसको, तेरे बस की है उसे उठाना। बस उठा दिया उन्हें खाने के लिए। ऐ बेटा देख रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ घुसेड़ दिया। जाओ उधर पंधेरे में जाओ, पानी भर के लाओ जाओ। ना नाम दी क्या हुआ? तू मत मेहनत कर रही हो ठीक है? तैयार हां तैयार। बस ये कसम से नजर तो भैया मुझे नहीं जो कि झाड़ू दोबारा मारना पड़ेगा यहाँ पे। ये देख घुसेड़ दिया ना मुंह में। नहीं कैसे उल्टे काम और के नोडू यार, काम सीखने के लिए चलती चट। कहाँ से आ रहा है घूमी घूमी करके? हाँ बस यही सीखा तू यहाँ नानी के घर आके। आराम से देख कहाँ जा रहा है वहाँ बेटा। वहां से तो नीचे सड़क पे मिलेगा वो, नीचे वाली में रास्ते में। जा 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 ले जा। बस तेरे को तो चैन नहीं आ रहा होगा जरा सा भी।